नमस्कार दोस्तों, मैं फास्ट न्यूज इंडिया से डॉक्टर के एस भट्टी। आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, टीवी पर देखते हैं कि इंडिया में एक प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति, जिसे हम KBC कहते हैं। तो उसमें जो इनाम निकलते हैं ऑनलाइन सभी टीवी पर दिखाए जाते हैं कि जो करोड़पति बनाए भी जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम एक बात बताना चाहते हैं खास तौर से, कि ये जरूरी नहीं है कि अगर KBC प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ लोग इस KBC के नाम पर धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। हमारी नॉलेज में एक केस आया है हमारे संज्ञान में, और उसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं मिस्टर अरुण कुमार। अरुण कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो KBC के बारे में कुछ आपके साथ घटना घटी है, आप हमें बताएंगे जी। मेरे को एक फोन आया। ऊंची बोलिए थोड़ा सा। मेरे को एक फोन आया। हाँ जी। और उसने कहा कि मैं KBC कौन बनेगा करोड़पति मुंबई से बोल रहा हूँ। ठीक है। और हमारे KBC में पार्टिसिपेट किया था कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने। हाँ जी। जिसमें आइडिया, एयरटेल, इस टाइप की कंपनियां थी। ठीक है। उसमें आपका नंबर भी शामिल था। उन्होंने कहा कि आपका नंबर निकला है लॉटरी निकली है, नॉट शेयर में। तो आप हमें ये बताइए कि किसने कॉल किया था, आपका डिटेल है उसकी? मेरे पास सिर्फ नंबर है। हाँ दिखाइए। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता हूँ। ओके। इस नंबर से जो नंबर है 9234। ठीक है, ये नंबर है, इसको हम जूम कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं। तो दर्शकों, ये आप देख सकते हैं, इसमें KBC का बोर्ड तो पीछे जरूर लगा हुआ है, स्टेटस में लगा रखा है, लेकिन आप गौर से देखिए, मैं नज़दीक कर देता हूँ इसको, जरा गौर से देखिए। ये नंबर है 9233470298911। और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर जो KBC के लिए काम कर रहा है, इनाम की राशि देने की बात कर रहा है, ये नंबर पाकिस्तान से है, ये इंडिया का नंबर नहीं है। और बड़ी बात है कि इंडिया में KBC चल रहा है, पाकिस्तान में कौन सा KBC चल रहा है। तो एक तो बात ये हो गई। आगे बताइए जी, ये तो हो गया कि आपके पाकिस्तानी किसी बंदे ने आपको कॉल किया है। ये आपका कितना इनाम निकला? 25 लाख का इनाम आपका निकला है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा आपको? उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे मैं आपको अपने ब्रांच मैनेजर का नंबर देता हूँ, बैंक में है। ठीक है। आप उनको कॉल कीजिए और अपनी लॉटरी उनसे कैश करवा लीजिए। ओके। तो उन्होंने मेजर को जो नंबर दिया वो नंबर है ये नंबर है। ठीक है। तो ये नंबर को हम निकाल लेते हैं स्टेटस का। ये आईडी है राणा प्रताप के नाम से बनाई हुई, और इसमें सिख जेंटलमैन नजर आ रहा है, और इसका नंबर हम देखेंगे जाकर 9888138467। ये रहा इसका नंबर, आप देखिए ये इसकी आईडी है। और आपको बता दें कि ये जो सा नंबर है ये इंडिया का नंबर है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का बंदा कॉल कर रहा है और इंडिया के नंबर की रेफरेंस दे रहा है कि उससे बात कीजिए कि आपका 25 लाख का इनाम निकल गया है। ठीक है जी, आगे बताइए उन्होंने फिर क्या कहा। उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी ऊंची बोलिए, आपकी जो लॉटरी निकली है। हाँ जी। उस लॉटरी की फाइल नंबर क्या है? फाइल नंबर के लिए मैंने वापस KBC में कॉल किया, उन्होंने मेरे को मेरा फाइल नंबर बताया, और फिर मैंने राणा प्रताप जी को कॉल किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दें, मैं उसमें आपकी लॉटरी जो है वो ट्रांसफर कर दूँ। ट्रांसफर कर दें। ठीक है। तो मैंने उनको जब अकाउंट नंबर सेंड किया तो उन्होंने उसके बाद मुझसे कहा कि आपकी जो लॉटरी है पिछले 3 दिनों से निकली हुई है। अच्छा। टीवी पे नंबर बार बार आपका मोबाइल नंबर शो किया जा रहा है। ठीक है। तो आपने अगर पहले दिन कैश करवा लेते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि लेट हो गए हो तो इसमें ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि इसमें भारत सरकार का टैक्स बनता है 12,000 रुपए, और मैं आपको जो अकाउंट नंबर दूंगा आप उसमें अगर कैश जमा करा दोगे 12,000, तो उसके 1 मिनट बाद आपकी लॉटरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आपके पास वो अकाउंट नंबर इसमें सेंड किया है वो दिखाइए। ये आईडी है ना जो अभी आप राणा जी की दिखा रहे थे, मिस्टर राणा की। हाँ जी, ये आईडी है। तो इन्होंने जो अकाउंट नंबर इस पे दिया है ये पंजाब नेशनल बैंक, और ये जो अकाउंट नेम है विशाल उत्तम राव सावंत के नाम से ये अकाउंट है,
मतलब ये कराड़ है, कराड़ हमने खोजा है तो ये कराड़ महाराष्ट्र में है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। तो सतारा डिस्ट्रिक्ट का ये अकाउंट नंबर भेज दिया गया है, इसमें 12,000 रुपये आप ट्रांसफर कर लीजिए। अभी ये आपको एक वीडियो भी है, ये क्या है वीडियो? जी मैंने उनसे कहा कि सर आजकल धोखाधड़ी के काफी केस होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई धोखाधड़ी का केस है कि आप वाकई में केबीसी से लिंक है या नहीं है? हाँ जी, मेरे को वीडियो सेंड किया इसके ऊपर। तो क्या हम इसको वीडियो को प्ले करके दिखाएं अपने दर्शकों को? जरूर सर, जरूर। तो ये हम वीडियो को प्ले करते हैं, आप सभी देखिए। इसकी आवाज करिए, आवाज करिए। दोबारा से प्ले कीजिए इसको। खैर हम ही आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, आप देख ही रहे, लेकिन आपको अभी पूरा समय नहीं लग रहा होगा इसमें। तो ये वीडियो हम अलग से इसी प्रोग्राम में आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, झांसा देने के लिए इस शख्स ने इन्हें ये वीडियो भेज दिया है, जिसमें वो दिखा रहा है कि जिन लोगों ने 12,000 रुपया पे कर दिया है उनके अकाउंट में, और उनके ये चेक क्लियर हो चुके हैं और इनके चेक जो है उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। अब हमारा आप सभी से सवाल है, और हम भी सोच रहे हैं, तो अरुण जी आपको भी शायद पता होना चाहिए कि अगर किसी कोई ड्रॉ निकलता है, समझ लीजिए एक रक्षा वाले का लॉटरी निकल गई है या एक भिखारी की लॉटरी निकल गई है कहीं पर, तो देश में अगर किसी की लॉटरी निकल जाए गरीब आदमी की, जिसको दो वक्त खाने की रोटी नसीब नहीं हो रही, शाम को उसके घर के में चूल्हा जलता है या नहीं जलता है, लेकिन भगवान ने उसकी लॉटरी निकाल दी है, तो सरकार को टैक्स कब देना चाहिए उसको? मेरे ख्याल से सरकार को टैक्स तब देना है जब वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, वो पैसा उसके पास आ गया है। जब तक वो उस पैसे का मालिक नहीं बना है तो तब तक वो टैक्स किस बात का देगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि ये पैसा इसके अकाउंट में आएगा? आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो जहाँ से बात चली है वो पाकिस्तान का नंबर है, 92 से शुरू होता है। उन्होंने मेरे को मना किया था कि आप बैंक में इसके बारे में नहीं बताओगे कि आपकी लॉटरी लगी है, क्योंकि बैंक वाले, सुन लीजिए, बैंक वाले आपसे कुछ ज़्यादा टैक्स देंगे, वो हमारी प्रॉब्लम है कि आप जब हमें 12,000 कैश जमा करा दोगे तो उसके बाद आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो हम देख लेंगे हमने क्या करना है कैसे करना है। आप अपने घर में भी कोई बात मत कीजिए, आपकी लॉटरी लगी है, आप बस पेमेंट डिपॉजिट कराइए और आपके अकाउंट में 1 मिनट। ठीक है, मेरा एक आपसे ये सवाल है कि अरुण जी आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन किए सर मैंने। ग्रेजुएशन किया जी। ग्रेजुएशन, एक ग्रेजुएट आदमी होकर जी आपको क्या लालच हुआ था कि मेरी लॉटरी निकल गई है, ऐसे विश्वास हो गया था? मुझे सर ख्वाब तो आए होंगे, मुझे अचानक से एक ख्वाब सा आया कि मैं भी शायद लॉटरी लग गई हूँ। बट मुझे कुछ लोगों ने गाइड किया कि ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा है तो ठीक है आप बात कर लीजिए, लेकिन पैसा मत लगाना, जहाँ पैसे की बात है वहाँ पीछे हट जाना। तो मैंने कहा शायद, चलो मैं तो पीछे हट गया हूँ, लेकिन देश में बाकी लोग भी होंगे शायद। इसी मकसद से हम ये आपकी खबर यहाँ दिखा रहे हैं, ये जो हमारे बहन भाई हैं जिनको ये फेक कॉल्स आ रही हैं, वो इन कॉल्स से बचकर रहें कि ये इंडिया में कंट्रैक्ट है, वो पाकिस्तान से चल रहे हैं, और ये पैसा कहाँ खर्च होगा कहाँ ये बाद में हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें इतना बताया कि हमें आप सब लोगों का फिक्र है, ध्यान है, कि हम चाहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें और कोई भी आपको ऐसी कॉल आए तो उसको इग्नोर कर दीजिए, उसकी बातों में मत आइए। अभी हम आपको दिखाएंगे जो वीडियो इनको भेजा गया है चेक्स, उसके विषय में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। किसी को चेक देना है, मैंने सपोज मैंने ही देना है,
अरुण जी को चेक देना है 1 लाख का 2 लाख का 10 लाख का 20 लाख का या 1 करोड़ का। अगर मैं दूंगा जब तक उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो कौन रिफ्यूज कर रहा है उसको चेक को पोस्ट करने के लिए? बैंक रिफ्यूज कर रही है। मैंने उनके अकाउंट का चेक दे दिया उनको, वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे तो वो वहां पर कैश हो जाएगा अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं। तो जब वो आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे तभी उस पैसे के आप मालिक बने और तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे ना। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप टैक्स पहले हमें दे दीजिए तो आप हमें टैक्स दे देंगे? नहीं, यही बात मेरी उनसे बस यही बात है दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बात से सावधान रहिए। और अब आप देखेंगे वो वीडियो जो इनको भेजी गई है, वो जो कितने ब्रांचेस के चेक्स लिए बैठा है दिखाने के लिए, धोखा दे रहा है लोगों को। और ऐसा क्या हो सकता है, आप विश्वास कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप देखिए क्यों कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें सच्चाई लगती है आपको कि नहीं लगती है। जी नमस्कार भाई, ये देखें आप लोगों का ये चेक है डेयर कस्टमर, ये जो कि गवर्नमेंट से अभी कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे आप भारत सरकार का इनकम टैक्स जमा करेंगे तो ये कंप्लीट करवाकर आपके नाम पर करवाकर आपका पैसा आपका जो है वो ट्रांसफ़र इधर से कर दिया जाएगा। ये उन लोगों के चेक है जिन्होंने अपना टैक्स जमा करवाकर अपना जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा लिए है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फैले हैं, तो डेयर कस्टमर ये फैले भी आपकी कंप्लीट करवाई जा रही हैं भारत सरकार से। तो बाकी सारा काम आपका कंप्लीट है, ये फॉर्म है आपका जहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और नाम लिखकर आपके अकाउंट में जो पैसा ट्रांजैक्शन किया जाएगा 25 लाख की अमाउंट जो इधर से जमा की जाएगी। तो डेयर कस्टमर ये आपको जो है ये सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाई जा रही है। तो डेयर कस्टमर ये आपको जो है टैक्स बोला जा रहा है, ये जैसे ही आप फास्ट में जमा करेंगे जमा करवा कर अपना जो है काम करवा सकेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।